हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं डोसे की एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी। और ये डोसा जो बनता है एकदम क्रिस्पी बनता है, पेपर काइंड का आप समझ सकते हैं इसे। अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो ये एकदम शॉर्ट शॉर्ट रेसिपी है। एकदम सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। साथ ही इसकी स्टफिंग हम बनाएंगे आलू प्याज की सब्ज़ी, और इन दोनों का फ्लेवर साथ में एकदम साउथ इंडियन टेस्ट आपको देगा। साथ ही इसे तैयार करेंगे उजेपी स्टाइल सांभर और सांभर मसाला से। और ये एकदम ट्रेडिशनली स्पाइसेस से बनाया गया है और इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। डोसा बैटर बनाने के लिए यहाँ हमने 2 कप राइस लिया है, मतलब 2 कप चावल। ये नॉर्मल चावल जो आप यूज़ करते हैं घर में वो है, और चिन्नौर वेराइटी के चावल इन्हें कहते हैं। आप किसी भी वेराइटी के चावल यूज़ कर सकते हैं, बासमती को यूज़ ना करें। इसे अब हम 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटी निकल जाए। एक दूसरे बोल में हमने लिया है 2/3 कप उड़द दाल, यानी कि 2/3 कप उड़द दाल, साथ ही 1/4 कप चना दाल और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है, तो इसे इस क्वांटिटी में ही लें। इसे भी हम अच्छे से पानी से धोकर 3 बार अलग रख लेंगे। जो धुले हुए चावल हमने रखे थे उसके ऊपर हमने 1 गिलास पानी और डाला है, और इसे हम सोक करने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए अलग रख देंगे। साथ ही दाल का जो हमारा मिक्सचर है इसे भी धोने के बाद 1 कप पानी डालकर 4 घंटे के लिए अलग रख देंगे। अब 1/4 कप यानी कि 1/4 कप पोहा हमने लिया है, इसे भी एक बाउल में अलग निकाल लेंगे। 3 बार इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर लगभग 1/2 गिलास पानी डालकर इसे सोक करने के लिए रख देंगे। इसे हम 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए रखेंगे। जब तक ये सोक हो रहे हैं हम आलू प्याज की स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखकर इसके अंदर 1/4 कप ऑयल हमने डाला है और इसे मीडियम हॉट होने दिया है। एक बार ये मीडियम हॉट हो गया तो फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/8 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 लाल मिर्ची, 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 10 सेकेंड के लिए हम इसे सॉटे करेंगे और उसके बाद फ्लेम को वापस से मीडियम कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप स्लाइस्ड अनियन, मतलब लंबा कटा हुआ प्याज, लगभग 2 मीडियम साइज प्याज के जितना ये होता है। इसे डालने के बाद हम इसे सॉटे करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। इसमें 2 से 3 मिनट हमें लग सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप बॉइल्ड आलू, यानी कि उबले हुए आलू मैश किए हुए हल्के से, और ये लगभग 3 मीडियम साइज आलू के जितना है। इन्हें हमने नॉर्मली बॉईल किया है, बहुत बारीक आप इसे मैश नहीं करें, थोड़ा सा इसके अंदर बड़े पीसेस रहने दें। और इसे हम सॉटे करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एकदम बेसिक मसाले इसमें हमने यूज़ किए हैं, हल्का सा बस एक सॉटे ही इसे करेंगे। और उसके बाद ये हमारी आलू की स्टफिंग तैयार है। इसमें फाइनली ऐड करेंगे 1/4 कप बहुत बारीक कटी हुई कोथमीर और 1/2 टीस्पून नींबू का रस। इसे मिक्स कर स्टोव को बंद कर देंगे और ये आलू प्याज की स्टफिंग अब बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने देंगे। 4 घंटे के बाद आप देखेंगे चावल डबल इन साइज़ हो चुके हैं, तो इसका जितना भी पानी है उसे हम अलग निकाल लेंगे। इसी तरीके से उड़द दाल भी लगभग डबल इन साइज़ हो चुकी है, उसका भी पानी हमने अलग कर लिया है। पोहे ने भी पूरा पानी सोख लिया है और एकदम फूल चुके हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले चावल को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाला है। इसे ग्राइंड करने के लिए आप जितना कम पानी का यूज़ करें उतना बेटर है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें फोमी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा इसमें झाग हो, एकदम चिकना हो तो उतना ही बेटर होगा। इसके अंदर मैंने लगभग 1 कप पानी को यूज़ किया है और इसे मैंने 3 से 4 मिनट ग्राइंड करके इस तरीके से इसका एक पेस्ट बना लिया है। पानी को 2 से 3 बैचेस में डालें तो ज़्यादा अच्छे से आपका बैटर बन पाएगा। देखिए, इस तरीके का फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए और आप देख सकते हैं ये एकदम स्मूथ बैटर है। उंगलियों के बीच में ये बहुत ही स्लिपरी लगता है, तो ये अब बनकर तैयार है। सर्दियों में इसमें कम पानी का यूज़ होता है, अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़े। अब देखिए, इस तरीके का कोई भी कंटेनर ले लें और उसके अंदर हम इस बैटर को पोर कर देंगे। इसी तरीके से हम दाल का पेस्ट बना लेंगे, तो उसके लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में पूरी दाल डालेंगे और इसके अंदर मैंने लगभग 1 कप और उसके ऊपर 3 टेबलस्पून पानी का ऑलमोस्ट यूज़ किया है, साथ ही पोहे को भी इसी में ऐड किया है। तो देखिए, एकदम ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का ये हमारा बैटर बनकर तैयार है और ये भी एकदम स्मूथ है। उंगलियों के बीच में जब हम इसे रब करते हैं तो हमें बिल्कुल भी कोर्स दाल का टेक्सचर नहीं मिलता है, ये पूरा ही एक स्मूथ
फोमी पेस्ट की तरह बनकर तैयार है। दाल के बैटर को भी हमने कंटेनर में पोर किया है और इसके बाद हम इस दोनों चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटेंगे। इसे हमें 5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में चलाना है। इसके लिए आप अपने हाथ का या किसी स्पैचुला का यूज़ करें, स्पून का यूज़ ना करें क्योंकि उससे इसमें एरेशन नहीं हो पाएगा। जो डोसा बनाते हैं उसका टेक्सचर सबसे पहले फर्मेंटेशन पे डिपेंड करता है और आपका जो बैटर बना है उसकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। अब फर्मेंटेशन के लिए या फिर इसमें खमीर उठाने के लिए हम इसे अलग एक गर्म जगह पर ढक कर अच्छे से कम 10 से 12 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इसे सर्दी के सीज़न में रख रहे हैं तो 10 से 12 घंटे के लिए रखें और गर्मी के सीज़न में रख रहे हैं तो 7 से 8 घंटे के लिए रखें। देखिए 12 घंटे के बाद हमने इसे अनकवर किया है और एक स्पून से इसे इस तरीके से चला के देखेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें कितने अच्छे से जाली पड़ी है। बैटर भी ऑलमोस्ट डबल इन साइज़ हो चुका है और इस तरीके की अगर आपकी जाली पड़ती है इसका मतलब कि ये फर्मेंट बहुत अच्छे से हुआ है, खमीर इसमें बहुत अच्छे से उठा है। हम इसे एक ही डायरेक्शन में वापस से अच्छे से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। फर्मेंटेशन होने के बाद या खमीर उठने के बाद आप देखेंगे जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा फोमी और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है और इसीलिए फर्मेंटेशन किया जाता है। इसके बिना डोसा क्रिस्पी नहीं बनता है। देखिए इस समय आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है तो इसके अंदर अब मैं पानी ऐड करूँगी। इसके अंदर टोटल मैंने 1 कप पानी और उसके ऊपर 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और हमें इसे फाइनली एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में लाना है। अगर आप गर्मी के सीज़न में इसे बना रहे हैं तो आपको और ज़्यादा पानी का यूज़ करना पड़ सकता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम सही है, ना तो ये ज़्यादा थिक है ना ये ज़्यादा थिन है। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा रहा तो बार बार आपका डोसा तवे पे चिपक जाएगा और ज़्यादा पतला रहा तो आपका डोसा बन नहीं पाएगा। अब हमने एक तवा लिया है, आप कोई भी तवा यूज़ कर सकते हैं, आयरन तवा या नॉनस्टिक तवा। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा को यूज़ किया है और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। एक बार जब ये मीडियम हॉट हो जाता है तब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसे अच्छे से किसी भी मसलिन क्लॉथ से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद तुरंत ही हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा पानी और ये इसलिए डाला जाता है ताकि इसे भी जब हम वाइप करें तो तवे का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा गर्म ना रहे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आपको डोसा स्प्रेड करना है तो आपके तवे का टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं तो ये बार बार डोसे का जो बैटर है आपके तवे पे चिपक जाएगा। तो देखिए लो फ्लेम पर ही पे हमने 2 लैडर भर कर इसके ऊपर डोसा बैटर डाला है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप हमेशा इसे हल्के हाथ से ही करें और जो चम्मच है उसको सेंटर में पहले तब तक घुमाते रहें जब तक कि आपको थोड़ा सा तवे का डार्क कलर नीचे दिखने न लगे। जब वो चीज़ आपको दिखने लगे तो ही आप बाहर की तरफ लैडर को लेके जाएं और तभी आपका धीरे धीरे करके ये पूरा डोसा अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा। जैसे ही आप डोसे को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं तो तुरंत आप अपनी फ्लेम को मीडियम कर लें क्योंकि डोसा जो सिकेगा वो हमेशा मीडियम फ्लेम पर या उससे ज़्यादा फ्लेम पर। साथ ही आप 1 टीस्पून ऑयल आजू बाजू मार्जिन्स पर और सेंटर में थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर नॉनस्टिक तवा है तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जब आप देखिए 1 से 2 मिनट के बाद डोसा थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दें और मीडियम टू हाई पे ही इसे फाइनली गोल्डन ब्राउन होने दें। 2 से 3 मिनट में जो डोसा है वो तवे को छोड़ने लग जाएगा और इस तरीके से अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। 3 से 4 मिनट में इसका गोल्डन ब्राउन टेक्सचर आने लगेगा। अगर आपको गोल्डन ब्राउन टेक्सचर नीचे की तरफ और ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे के सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। ये एक टिप है जिससे आपका डोसा बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अगर डोसा बड़ा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लेम सभी तरफ लगे, उसके लिए आप तवे को रोटेट कर सकते हैं। मुझे इस डोसे को सेकने में 4 से 5 मिनट लगे हैं और आप उतना गोल्डन ब्राउन इसको कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो एकदम परफेक्ट क्रिस्पी पेपर डोसा बनकर तैयार है, इसकी थिकनेस भी एकदम सही है। एक टिप ये भी है कि अगर आपको डोसा क्रिस्पी चाहिए तो हमेशा इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फाइनल सिकने दें। फ्रेंड्स इस डोसे को देखकर आपको ये पता चल रहा होगा कि ये बहुत क्रिस्पी है और इस तरीके से बहुत आसानी से हाथ में क्रश हो रहा है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह से अब हम मसाला डोसा बनाएंगे तो उसके लिए भी पहले मीडियम फ्लेम पर तवे को मीडियम हॉट होने देंगे और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा पानी और फिर थोड़ा सा तेल डालकर हम अच्छे से पोंछ लेंगे। तवे को लो फ्लेम पर ले आएंगे और उसके बाद 2 लैडर इसके ऊपर डोसा बैटर डालेंगे और लैडर को अंदर से बाहर की तरफ हम इस तरीके से घुमाएंगे कि बैटर अच्छे से स्प्रेड हो जाए और इसे भी हम सिकने देंगे फिर वापस से मीडियम फ्लेम पर। और जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसके ऊपर हम आलू की स्टफिंग या मसाला अच्छे से स्प्रेड करेंगे और फिर फाइनली इसे बाहर निकाल कर इसे अच्छे से सर्व करेंगे।
एकदम क्रिस्पी मसाला डोसा बनकर तैयार है। आप चाहे तो डोसे बैटर को 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। पहले दिन ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, सेकेंड और थर्ड डे इसकी क्रिस्पीनेस थोड़ी कम हो सकती है। तो पहले दिन आपको जितना डोसा बैटर यूज़ करना है उसे निकाल कर उसमें पानी ऐड करके आप डोसा बनाएं और बचे हुए बैटर को आप फ्रिज सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारा ये डोसा बनकर तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये रेसिपी आपके लिए यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा और अपने फीडबैक और सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।